नमस्कार मैं हूँ शीतल मीणा लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर राजस्थान आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक मशीन्स तो ऑटोमेटिक मशीन्स में हम आज पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक लेथ्स तो ऑटोमेटिक लेथ्स क्या होते हैं दे आर द कंपोनेंट्स विच आर मशीनड ऑटोमेटिकली तो कंपोनेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बनाए जाते हैं इन मशीन्स पर वर्किंग साइकिल इनकी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर की जरूरत सिर्फ लोडिंग ऑफ बार स्टॉक या फिर इंडिविजुअल कास्टिंग या फोस्ड ब्लैंक्स कुछ इक्विपमेंट्स की लोडिंग के लिए ही ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है कई सारे मूमेंट्स ऑफ कटिंग टूल्स देयर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन एप्लीकेशनस ऑफ फीडिंग रॉप मटेरियल पार्टिंग ऑफ अनलोडिंग ऑफ फिनिश्ड पार्ट ये सभी मशीन पर किए जाते हैं ऑल वर्किंग एंड आइडल ऑपरेशन आर ऑल्सो परफॉर्म्ड इन डेफिनेट सीक्वेंस। डीज मशीन्स आर यूज फाइन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है जो ट्यूरिट्लिथ से पॉसिबल नहीं हो पाती है तो इन शॉर्ट आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं जैसे कि मिनिमम मैन पावर यूटिलाइज दिस इज़ स्पेशली फॉर मास प्रोडक्शन कंट्रोल्स रिप्लेस बाय वेरियस मैकेजम्स स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है देन इट इट फॉलो सर्टन प्रिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी पार्ट्स आर फीड एंड रिमूवड ऑटोमेटिकली मिनिमाइजिंग द लोडिंग और अनलोडिंग टाइम भी इसमें काफ़ी कम रहता है इसमें आप दो तरीके की मशीनस दे सक देख सकते हैं सिंगल स्पिडल टाइप्स एंड मल्टीपल स्पेंडल टाइप रूल सेटअप भी इसमें एक बार कर दिया जाता है मे हैव हॉरिजोंटल और वर्टिकल स्पिडल टाइप मशीन्स भी आप देख सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात मोर एक्ूरेसी कैन भी ऑप्टेन बाई दिस टाइप ऑफ ऑटोमैटिक लेथ मशीन्स तो क्लासीफिकेश लेथ मशीन ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क किस टाइप का वर्क मशीन किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली है मैगजीन लोडेड ऑटोमैटिक्स जिसमें कि दीज आर द मशीन्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कंपनी फ्राम सेपरेट ब्लैक्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एस ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन्स दूसरी तरह की है ऑटोमेटिक बार मशीन्स दीज आर डिजाइन फॉर मशीन कंपनीस फ्राम बार या पाइप स्टॉक से जो कंपन बनाए जाते हैं तो उनके लिए स्पेशली स्पेशली ऑटोमेटिक बार मशीन इस्तेमाल में ली जाती है मशीन्स आर यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी फासनर्स तो ये बार मशीन्स क्या क्या बना सकती है हाई क्वालिटी फासनर्स क्रूनट्स बुशिंग्स शार्फ्ट रिंग्स रोलर्स हैंडल्स विच आर यूजली मेड ऑफ बार या पाइप स्टॉक तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्पिडल्स कितने स्पिडल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सिंगल स्पिडल टाइप और मल्टीपल स्पिंडल टाइप उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द दर्पज एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ्स आर एज के हिसाब से जनरल एंड सिंगल मशीन अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल के हिसाब से हॉरिजोंटल स्पिंडल टाइप या वर्टिकल स्पिंडल टाइप तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक्स तो इसमें सबसे पहले जो मशीन है वो है ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन दीज मशीन प्रोड्यूस वर्क पीसेस ऑफ सिंपल फॉर्म बाय मीन्स ऑफ क्रॉस स्लाइडिंग टूल क्रॉस स्लाइडिंग टूल की मदद से सिंपल वर्क पीसिस में तैयार किए जाते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फीचर्स आप देख सकते हैं तो हेड स्टॉक विथ स्पिंडल इज माउंटेड ऑन द बेड हेड स्टॉक है इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू क्रॉस स्लाइड्स दो क्रॉस स्लाइड्स है लोकेटेड ऑन द बेड एक फ्रंट क्रॉस क्रॉस स्लाइड है और एक रियर क्रॉस स्लाइड है कैम्स ऑन कैम्प शाफ्ट एक्चुएट मूवमेंट्स ऑफ क्रॉस स्लाइड थ्रू सिस्टम ऑफ लीवर्स के अकॉर्डिंगली कैम्प काम करते हैं ऑपरेशन में आप देख सकते हो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ जो वर्क पीस है इट इज़ फेड आउट विथ कैम मैकेनिज्म अप टू स्टॉक स्टॉप विच इज ऑटोमेटिकली एडवांस्ड इन लाइन विथ स्पिडल एक्सेस एट ईच एंड ऑफ द साइकिल तो आप राइट एंड साइड में एंड में आप देख सकते हैं कि लेंथ के अकॉर्डिंगली स्टॉक स्टॉप लगाया गया है जो ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है कि हमारे वर्क पीस की कितनी लेंथ रहेगी स्टॉक इज हेल्ड इन क्वालिट चक ऑफ रोटेटिंग स्पिंडल देख आप देख सकते हैं जो स्टॉक है वो चक से लोकेटेड किया जाता है मशीनिंग इज़ डन बाय टूल्स टूल्स जो कि क्रॉस क्रॉसाइड्स पे लगे हुए हैं क्रॉस वाइज डायरेक्शन में तो आप पार्ट्स देख सकते हैं थ्री टू ट्वेंटी एम mm एम डायमीटर के पार्ट मशीन किए जा सकते हैं दूसरी तरह की जो मशीन होती है सिंगल स्पिंडल में वो है ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स इसमें क्रॉस स्लाइड है थर्ड टू स्लाइड है राइट हैंड साइड में ट्यूरेट एंड स्लाइड है लेफ्ट हैंड साइड में हेड स्टॉक एंड स्टॉक ट्यूब है देन स्टॉक सपोर्टिंग अरेंजमेंट भी है देन कैम शाफ्ट एंड लीड कैम अरेंजमेंट भी है तो आइए इसके फीचर्स हम स्टडी करते हैं वन बाय वन ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन तो ये मशीन जो है बेसिकली इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल स्क्रूज तो उनके डायमीटर क्या हो सकते हैं ट्वेल्व पॉइंट सेवन टू सिक्सटी एम एम जनरली ऑल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सार्ट स्मॉल टर्न पार्ट्स दीज आर कम कंप्लीटली ऑटोमेटिक बार टाइप ट्यूरेट ट्यूरटलेट्स कहा जाता है इनको डिजाइन फॉर मशीनिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑन पार्ट्स मेड ऑफ बार स्टॉक या फिर सेपरेट ब्लैंक्स तो अप टू टेन डिफरेंट कटिंग टूल्स कैन बी एम्प्लॉयड एट वन टाइम इन द टूलिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ मशीन तो एक साथ आप टेन कटिंग टूल्स लगा सकते हो दो इसमें क्रॉसलाइड है फ्रंट एंड रियर वर्टिकल स्टूल स्लाइड्स जो रहती हैं वो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन में इस्तेमाल में ली जाती है हेड स्टॉक्स में स्टेशनरी है जिसमें कि स्पिंडल है और जो बार स्टॉक है वो क्वालिट चक के द्वारा लोकेट किया जाता है एडवांस्ड आफ्टर ईच पीसेस फिनिश एंड कट ऑफ जैसे जैसे पार्ट हमारा प्रोड्यूस होता जाएगा और कट ऑफ होने के बाद ये ऑटोमेटिकली बार स्टॉक जो है अपनी लेंथ एडजस्ट करके आगे मूव करता रहेगा ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द मशीन आर एक्चुएटेड बाय कैम्स माउंटेड ऑन द कैम्प शाफ्ट तो कैम्प शाफ्ट से सारे के सारे मूवमेंट इसमें कंट्रोल हो रहे हैं आप देख सकते हैं बार स्टॉक इज पुस्ट थ्रू स्टॉक ट्यूब इन अ ब्रैकेट एंड इट्स लीडिंग एंड इज क्लाइम्ड इन रोटेटिंग स्पिंडल बाय मींस ऑफ कॉलेट चक तो कॉलेट चक में हमने बार फीडिंग मैकेनिज्म इसमें प्रोवाइड कर रखा है बाय स्टॉक फीडिंग मैकेनिज्म बार इज फीड आउट फॉर द नेक्स्ट पार्ट तो जैसे एक पार्ट कंप्यूटर होता है ऑटोमेटिकली बार आगे की तरफ मूव कर लेता है मशीनिंग ऑफ सेंट्रल होल इज डन बाय द टूल्स जो कि ट्यूरेट स्लाइड्स पे जो टूल लगे हुए होते हैं उनसे मशीनिंग भी की जा सकती है और दूसरे ऑपरेशन जैसे कि पार्टिंग ऑफ कटिंग ऑफ फॉर्म टूल्स आर ऑल्सो माउंटेड ऑन द क्रॉस स्लाइड पर लगे हुए रहते हैं एट द एंड ऑफ ईच कट ट्यूरेट स्लाइड इज़ विथ ड्रॉन ऑटोमेटिकली ट्यूरेट स्लाइड भी ऑटोमेटिकली मूव करती है और नेक्स्ट टूल भी अपनी पोजीशन पर आ जाता है तो ये था आपका सिंगल स्पिंडल टाइप मशीन नेक्स्ट इसमें जो है टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन जिसको हम कहते हैं स्टॉक, इसमें जो है स्टॉक रहता है तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं राइट एंड साइड में स्पेशल अटैचमेंट है कैम शाफ्ट अरेंजमेंट है स्लाइडिंग हेडस्टॉक stock है स्टॉक ट्यूब है देन स्विट टाइप ऑटोमेटिक मशीन इसे कहा जाता है तो इसकी फीचर्स हम देखते हैं स्विस टाइप ऑटोमैटिक स्क्रू मशीन एज द नेम एम्प्लाईज हेड स्टॉक इसमें मूवेबल होता है दीज मशीन्स आर यूज फॉर मशीनिंग लॉन्ग एक्चुएट पार्ट्स एक्यूरेट पार्ट्स ऑफ स्मॉल डायमीटर पार्ट्स की लंबाई ज़्यादा रहती है और डायमीटर इसमें कम रहता है तो टू टू ट्वेंटी फाइव एम तक इसमें डायमीटर रहता है बार स्टॉक जो है हेल्ड इज रोटेटिंग कॉलेट में लगा रहता है इन हेड स्टॉक एंड ऑल द लॉन्गिट्यूनल फीड्स आर ऑप्टेन बाय कैम कैम की मदद से हम फीड प्रोवाइड करते हैं रोटेटिंग बार स्टॉक इज फीड थ्रू हार्ड बुशिंग इन द सेंटर टू हिल टूल हेड टूल हेड कंसिस्ट ऑफ पाँच सिंगल पॉइंट टूल्स रहते हैं इस रेडियली रेडिय अराउंड बुशिन्स मोस्टली डायमीटर टर्निंग इज डन बाय टू हॉरिजॉन्टल स्लाइड्स अदर थ्री स्लाइड्स यूज फॉर ऑपरेशंस सच एज नर्लिंग चैम्फरिंग कट ऑफ तो इसमें जो टूल्स है दीज आर कंट्रोल्ड एंड पोजिशन बाय कैम्प एंड दैट ब्रिंग द टूल एज नीडिड जो ऑपरेशन होना है उसके अकॉर्डिंगली टूल ऑटोमेटिकली कैम्प की वजह से सामने आ जाता है जैसे कि टर्निंग फेसिंग फॉर्मिंग जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो एज इट इमर्जेस फ्रॉम बुशिंग बुशिंग से ये बाहर आ जाता है क्लोज टॉलरेंसेस इसमें हम ऑप्टेन कर सकते हैं जो कि है पॉइंट जीरो जीरो फाइव टू पॉइंट जीरो जीरो वन टू फाइव एम एम देन ये थे हमारे सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक्स नाउ सेकेंड कैटेगरी है वो है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक्स मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक्स जो कि नाम से पता चल रहा है फास्टेस्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स होती है इसमें वेराइटीज़ ऑफ मॉडल्स अवेलेबल है टू फोर फाइव सिक्स एक्ट स्पिंडल्स अकॉर्डिंगली इन कॉन्ट्रास्ट सिंगल स्पिंडल के मुकाबले जहाँ पर एक ट्यूरिट फेस एट अ टाइम वर्क करता है एक स्पिंडल पर मल्टी स्पिंडल पर मशीन पर ऑल ट्यूरिट फेसिस वर्क ऑन ऑल स्पिंडल्स एट द सेम टाइम एक ही वक्त पर अलग अलग स्पिंडल पे अलग अलग ट्यूरिट हेड एक साथ काम करते हैं तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी हाई हो जाती है और मशीनिंग एक्यूरेसीज़ मशीनिंग एक्यूरेसी स्लाइटली लोअर होती है एज कम्पेयर टू सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन्स बिकॉज ऑफ द लॉन्गर सेट ऑफ टाइम इंक्रीज टूलिंग कॉस्ट दीज मशीन्स आर लेस इकोनॉमिकल दैन अदर ऑन शॉर्ट रन मोर इकोनॉमिकल फॉर लॉन्गर रन्स, तो इसमें थोड़ा सा सेटअप टाइम ज़्यादा रहता है सिंगल स्पिंडल के मुकाबले देन और फीचर्स हम देख सकते हैं मल्टीपल स्पिंडल टाइप मशीन्स में वर्क पीस इन ईच स्पिंडल इन वन साइकिल तो एक साइकिल में एक वर्क पीस फिनिश हो जाता है इट मीन्स दैट नंबर ऑफ कंपोनेंट बिंग मशीन जितने कंपोनेंट मशीन हो रहे हैं यानी उतने हमारे पास स्पिंडल अवेलेबल है रेट ऑफ प्रोडक्शंस की हाई रहती है मशीन कैन बी यूज टू मशीन सिंपल पार्ट्स ओनली सिंस ऑल द मशीन प्रोसेस आर डन एट द सिंगल स्पिंडल की तरह ही मशीन में फ्रेम है फ्रेम में हेडस्टॉक लगा हुआ है देन वर्क स्पिंडल्स दैट आर अरेज वन अबाउटर आर हाउस इन दिसक क्रॉस लाइट आर रोकेटेड लोकेटेड एट द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिडल लोकेटेड है ऑल द वर्किंग एंड ऑक्लरी मोशन फ्रॉम द कैमटेड ऑनशाफ्ट कैम्पाफ्ट की मदद से कैम जो है सारी वर्किंग मोशन प्रोवाइड करता है इस मशीन पर तो मल्टीपल स्पिडल कैटेगरी में हम देख सकते हैं सिक्स स्पिंडल्स प्रोग्रेसिव एक्शन मल्टीपल स्पिडल मशीन तो आप डायग्राम पर देख सकते हैं इन दिसन ऑफ मशीन में वर्क पीस इज मशीन इन स्टेट एंड प्रोग्रेसिवली इन स्टेशन ऑफ स्टेशन तो वन बाय वन वर्कपीस मशीन हो रहा है हेडस्टॉक यहाँ पर ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेस है इट कैरीज द स्पिंडल है इसके पास विच रोटेट्स हेडस्टॉक के साथ स्पिंडल लगा हुआ है विच रोटेट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द मशीन वर्किंग स्पिंडल्स आर माउंटेड ऑन दिस स्पिंडल कैरियर्स में सारे स्पिंडल्स लगे हुए है. हैं स्पिंडल्स में कॉलेट्स लगे हुए हैं एंड बार्स फ्रॉम विच वर्क पीस हम अटैच कर सकते हैं बार स्टॉक इज फीड थ्रू ईच स्पिंडल फ्रॉम रियर साइड रियर साइड से हम बार फीड कर सकते हैं ऑन द फेस ऑफ द स्पिंडल कैरियर सपोर्ट्स आर ऑल्सो माउंटेड क्रॉस स्लाइड्स विच कैरी टूल्स फॉर ऑपरेशन तो क्रॉस स्लाइड्स में भी टूल लगे हुए हैं जिनसे हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे कि कटिंग ऑफ टर्निंग फेसिंग फॉर्मिंग एंड शैम तो ये आपके सिक्स स्पिंडल प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्पिंडल टाइप मशीन्स हैं जिसका टूल लेआउट आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पिंडल्स यानी जितने वर्क पीस आपको बनाने हैं उतने आपके पास स्पिंडल्स अवेलेबल है मेन टूल स्लाइड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द सपोर्ट तो सेंटर में रहती है फेड फीड ऑफ ईच टूल बोथ क्रॉस स्लाइड एन एंड टूल स्लाइड्स इज कंट्रोल बाय इंडिविजुअल कैम से कंट्रोल रहता है फीडिंग ऑफ द टूल इन दिस डायग्राम आप देख सकते हैं स्पिडल कैरियर इंडेक्सेज ऑन इट्स ओन स्पेंडल कैरियर भी अपने आप इंडेक्स हो जाती है एक्सेस बाय सिक्सटी डिग्री एट ईच कटिंग टूल रिट्रैक्शन तो जैसे ही कटिंग टूल पीछे की तरफ हटेगा तो स्पिंडल भी ऑटोमेटिकली मूव कर लेगा बाय सिक्सटी डिग्री एज द स्पिंडल कैरियर इंडेक्सेस इट कैरीज वर्क फ्रॉम वन स्टेशन टू अनादर वे आर डिफरेंट ऑल्स टूल्स ऑपरेट ऑन द वर्क स्टॉक मूव्स राउंड द सर्कल इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड रिटर्न टू द स्टेशन नंबर सिक्स इस तरीके से वन स्टेशन टू अनादर स्टेशन टूल ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है जैसे जैसे उसका ऑपरेशन फिनिश हो जाता है तो इस तरीके से ये आपने जो स्टडी की है वो हमारे टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स हैं थैंक यू वेरी मच